एवरीवन, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई टेक। फ्रेंड्स, यूट्यूब की तरफ से चार बहुत ही कमाल के अपडेट आए हैं और ये सभी अपडेट आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। साथ ही साथ ये जो अपडेट है, इनमें से कुछ अपडेट ऐसे हैं जो आपकी चैनल पर कुछ इफेक्ट भी पहुंचाएंगे। कैसा इफेक्ट? यानी कि आपकी चैनल के जो व्यूज है वो भी इंक्रीज होंगे। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है, आई होप आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि अगर आपको याद हो, दो चार महीने पहले ही जब हम किसी की चैनल पर जाते थे तो मोस्ट पॉपुलर वीडियो के अलावा वहां पर ओल्डेस्ट वीडियो भी हमें दिखते थे। यानी कि उस बंदे ने पहले सबसे पहले पहला वीडियो कौन सा है, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो उसका कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो मतलब कोई भी यूट्यूबर है उसके पुराने वीडियोस भी हमें दिखते थे। मतलब जब उसने पहला डाला वो भी दिख जाता था, दूसरा डाला, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इस तरीके से दिख जाते थे। तो ये लोग, ये फीचर्स लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन यूट्यूब ने इसको रिमूव कर दिया। तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा यूट्यूब को ट्वीट किया और मतलब कई मेल किए, मैसेज किए कि ये फीचर्स आप हमें मतलब यूट्यूब पर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर यूट्यूबर जो है, जो नए यूट्यूबर है, वो किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, किसी बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करता है या किसी भी नए चैनल पर जाता है तो सबसे पहले वो ये देखना चाहता है कि ये इतना सक्सेस बन गया है, इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया है, तो ये स्टार्टिंग में जब इसका पहला दूसरा वीडियो था तो ये कैसी क्वालिटी में वीडियो डालता था, कैसी इसकी आवाज थी, कैसे ये वीडियो बनाता था, तो हर कोई जानना चाहता है। ठीक है, तो सबके मन में उत्सुकता रहती है। जैसे मेरी भी, जो लोग मेरे फैन है वो मेरी चैनल पर आते हैं तो ये चाहते हैं कि रक्षा की रसोई पहला वीडियो कैसे डाला था, कैसी इनकी किचन थी, कैसे वो बनाती थी, तो ये सभी के मन में होता था। तो सब लोग काफी खुश थे, बट यूट्यूब ने ये रिमूव कर दिया था। तो अब यूट्यूब ने सभी की डिमांड को देखते हुए फिर से बोला है कि हम बहुत ही जल्द इस फीचर्स को फिर से ऐड कर देंगे। तो अगर आप लोगों में से जिसको ये फीचर्स पसंद है तो आपके लिए है खुशखबरी, फिर से ये आप अपने पॉपुलर या जो अपने चाहने वाले यूट्यूबर्स हैं उनके पुराने वीडियोस देख सकेंगे। ये था हमारा पहला अपडेट। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। अभी हम अपनी चैनल पर जाते हैं तो काफी सारे टैब हमें यहाँ पर दिखते हैं, जिसमें से कुछ टैब ऐसे हैं जो यूट्यूब रिमूव करने वाला है, जैसे कि यहाँ पर हो गया प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यूट्यूब आने वाले समय में इन प्लेलिस्ट वाले टैब को हटा देगा। वो यहाँ पर क्या रखेगा, यहाँ पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कोई टैब वो रखेगा। जैसे अगर आप म्यूजिक चैनल है तो वहां पर रिलीज करके कोई ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी म्यूजिक रिलीज होने वाला है तो वो सारे वीडियो वहां पर आपको शो होंगे। ठीक, जो भी देखने आएगा आपकी चैनल पर, या आपकी एजुकेशनल चैनल है, आप किसी को कुछ सिखाते हैं या आप ऑनलाइन कुकिंग सिखाते हैं, कोर्सेज वगैरह रखे हुए हैं, तो आपके लिए वहां पर एक टैब दिखने लगेगा कोर्सेज करके। ठीक है, जैसे आपको कोई कोर्सेज सेल करना है या लोगों को सिखाना है, या अलग से आप कुछ रखना चाहते हैं स्पेशल कि ये कोर्स में जैसे केक बनाना सिखा रहे हैं, तो इस तरीके से वहां पर एक टैब दिखने लगेगा कोर्सेज। ठीक है, तो वो जो भी आपकी ऑडियंस आएगी तो आपको आपकी कैटेगरी, चैनल की कैटेगरी के हिसाब से उसको वहां पर टैब दिखाई देगा। ठीक है, तो वो आने वाले समय में आपको अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलेगा, पर ये जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है ये यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अब तीसरा जो अपडेट है ये काफी अच्छा है और इससे जो आपके व्यूज हैं वो भी इंक्रीज होंगे। चलिए बताते हैं कौन सा। तो YouTube बहुत ही जल्द इन टैब में से एक टैब और रखने वाला है जिसका नाम है फॉर यू। इसमें क्या होगा, जैसे आपके व्यूवर्स हैं, हर इंसान कई तरह के वीडियो देखना पसंद करता है, ये कोई निश्चित नहीं है कि एक बंदा है, कोई लेडी है तो वो सिर्फ कुकिंग वीडियो ही देखती है। ठीक है, वो कई तरीके के वीडियो देखना, कई कैटेगरी के वीडियो देखना पसंद करती है। तो अगर आपने अपनी चैनल में काफी कैटेगरी के वीडियो बना के रखे हुए हैं, ठीक है, या कुछ साल पहले बनाए हैं, साल दो साल पहले बनाए थे बट अब आप नहीं बना रहे हैं, कुछ भी हो आपकी चैनल पर अगर अवेलेबल है तो आपकी चैनल पर जो भी व्यूवर्स आएगा, जो भी देखने आएगा, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से यूट्यूब फॉर यू वाले सेक्शन में अपने आप ही आपकी वो वीडियो शो करा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब को कैसे पता चलेगा। देखिए, कोई भी व्यूवर्स यूट्यूब पर रहता है, कोई भी बंदा एक्टिव रहता है, तो यूट्यूब को उसकी सारी एक्टिविटी पता रहती है कि वो क्या वॉच कर रहा है। आपने देखा होगा एक फीचर्स होता है, अगर आप कोई वीडियो बार बार देखते हो एक दो बार, तो यूट्यूब, जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो वो वीडियो आपको बार बार देखेंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब समझ जाता है कि आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है। ऐसे ही आपके व्यूवर्स हैं, जैसे मेरी चैनल है रक्षा की रसोई, ठीक है, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो क्या क्या देखना चाहते हैं यूट्यूब को सब पता है। कुकिंग के अलावा वो क्या क्या देखते हैं, अगर वो जो मतलब उनकी कुकिंग के अलावा दूसरी किसी चीज में इंटरेस्ट है, मान के चलिए वो हेयर स्टाइल देखना पसंद करते हैं, और अगर मैंने अपनी चैनल पर हेयर स्टाइल डाली हुई है, या आज नहीं डाली, पहले डाली हुई दो साल पहले,
तो YouTube जो भी वो व्यूअर आएगा मेरी चैनल पर, तो उसको फॉर यू वाले सेक्शन में मेरे पुराने वीडियो या जो मेरी उस कैटेगरी के वीडियो जो उसको पसंद है वो भी दिखाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ इनके चैनल पर ये वीडियो भी है, मेरे इंटरेस्ट का वीडियो भी है, तो आपकी वो वीडियो भी वो बंदा वॉच कर लेगा। तो इससे काफी अच्छा व्यूज भी बढ़ेगा। तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो अलग अलग कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं। बाई चांस आप अलग अलग कैटेगरी के बनाते हैं और एक वीडियो आपकी वायरल होती है, तो उसकी वजह से बंदा कोई भी आपकी चैनल पर आता है तो उसको सारे वहां पर उसकी पसंद के वीडियो दिख जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने पुराने पहले बनाए हुए हैं, अब नहीं बनाते हैं, तब भी वो आपको दिखेंगे। तो ये तो था तीसरा अपडेट जो कि बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल कमाल का है और इससे व्यूज भी इंक्रीज होंगे। अब बात करते हैं चौथे अपडेट के बारे में। चौथा अपडेट है, जब भी हम अपनी चैनल को खोलते हैं तो आखिरी में एक अबाउट का सेक्शन दिखता है। तो अब ये यूट्यूब अबाउट वाला सेक्शन जो है यहाँ से खत्म करने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग हैं चैनल पर जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है वो, क्योंकि सभी टैब तो दिखती नहीं है। जैसे ही चैनल पर गए कुछ ऐसे करना पड़ता है स्वाइप अप करके, तब जाके सारे टैब दिखते हैं। तो यूट्यूब को लगता है कि सभी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि हम ऐसे ऐसे करके आखिरी में अबाउट पर जाएं तब आपका अबाउट सेक्शन पढ़ें, ठीक है। तो YouTube ने कहा कि ये टैब हम अलग करते हैं यहाँ से, हम ये टैब कहाँ पर दिखाएंगे, सीधे होम पेज पर ही दिखा देंगे। मतलब कोई बंदा जैसे ही आपकी चैनल पर जाएगा वही आपको होम पेज पर ही उसको आपका अबाउट सेक्शन दिखेगा, मतलब उसमें जितनी भी आपने लिंक डाली हुई है, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, फेसबुक की, ठीक है, जो भी लिंक डाली हुई है या अदर यूट्यूब चैनल की वही उसको दिख जाएगा। तो इससे वो वही की वही आपके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अभी तक जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में से शायद 10 लोगों को ही पता होता था कि इनका हम अबाउट सेक्शन चेक कर लें, या ऐसा कुछ सेक्शन भी होता है। 90 लोग नहीं जानते हैं, इतना ऑडियंस अभी नहीं जानती है यूट्यूब के बारे में, तो अब उसको होम पेज पे ही दिख जाएगा सब कुछ, तो वहां से आपके अदर सोशल मीडिया में भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो बस ये थे चार बढ़िया से अपडेट, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।